हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो पहला बर्ड देख रहे हो वह एंटोनियम देखेंगे, फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? हताशा, हताशा, निराशा। क्या होता है फ्रस्ट्रेट? मतलब हताशा, निराशा बोल सकते हैं। तो उसका हो जाएगा एंटोनियम क्या है? फोस्टर। फोस्टर मतलब भी क्या होता है? वही होता है फोस्टर, मतलब निराशा रहना, मतलब कि आशा से भरा नहीं है। पेसिमिस्टिक बोल सकते हैं। पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? निराशावादी। तो इसका एंटोनियम क्या होता है? इसको बोल सकते हैं पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब क्या होता है? निराशावादी, निराशावादी। इसका एंटोनियम की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्ट। मतलब क्या होता है? आशावादी। एक्सेसरी एंटोनियम इसका बताना है। तो फोस्टर मतलब क्या होगा? आशावादी। फ्रस्ट्रेट मतलब निराशावादी। फोस्टर मतलब क्या होता है? फोस्टर कह दिए सही मीनिंग बतावे हैं तो क्या होता है? पोषक, मतलब लालन पोषण करना, प्रोत्साहन देना। क्या देना? प्रोत्साहन देना। एक्सेसरी मतलब क्या होता है? गौन। एसेंशियल मतलब क्या होता है? अनिवार्य, अनिवार्य। एंटोनियम बता रहे हैं कंपलसरी। कंपलसरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। नेसेसरी, नेसेसरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। डिस्पोंडेंट मतलब निराशा। डिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है? जो आशा से भरा नहीं हो उसको बोलते हैं डिस्पोंडेंट। निराशा बोल सकते हैं, हताशा बोल सकते हैं, हताशा। एंटोनियम होपफुल मतलब क्या होता है? आशा भरा। ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है? आशा भरा। अगला अमीस। अमीस मतलब क्या होता है? अनुचित। अमीस मतलब क्या होता है? जो अनुचित हो, जो क्या हो? बैन हो, जो गलत हो, बुरा बोल सकते हैं। अनुचित किसको बोलते हैं? जो मान नहीं हो, अनुचित। इम्पेकेबल मतलब त्रुटिहीन, जो क्या हो? इम्पेकेबल हो, अनुचित हो। तो यहाँ पर इम्पेकेबल है। बरीड मतलब चिंता, एनेक्सिटी। एनेक्सिटी मतलब चिंता। तो अनकंसर्न, अनकंसर्न मतलब अचिंतित, जो चिंता नहीं, चिंतित हो, अनकंसर्न। नैक मतलब क्या होना? कुशल होना, क्षम, स्किल होना, स्किल। प्रोफिशिएंट तो इनएबिलिटी मतलब अकुशल, अकुशल। नदीर मतलब होता है बिगेस्ट पॉइंट, मतलब नज़दीर, नीचे वाला पॉइंट। क्लाइमेक्स मतलब शिखर। एनोमलस कंटिन्यूम क्या हो जाएगा? एनोमलस, एनोमलस मतलब होता है नियम विरोध। क्या होता है? नियम विरोध। तो कस्टमरी, कस्टमरी पालन करना। सेलेस्टियल मतलब हेवनली। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है, मतलब जलीय वाला, हेवेनली। अब्जुरिगेशन मतलब, अब्जुरिगेशन का एंटोनिम क्या होगा? एंडोर्समेंट। क्या होगा? एंडोर्समेंट। ऑब्जुरिगेशन मतलब क्या हो जाएगा? एंडोर्समेंट। एडुकेट मतलब होता है सफिशियंट, प्रचुर, अधिक। तो वांटिंग मतलब लैक, कमी। फेंड, फेंड का एंटोनिम क्या होगा? सैंड। क्या होगा? फेंड का, फेंड मतलब क्या होता है? FEIND, फेंड मतलब इसका हो जाएगा सेंट, SAINT, सेंट, FEIND का। राक्षस होता है, फेंड मतलब क्या होता है? राक्षस। सेंट मतलब साधु। इनेप्ट मतलब इनेप्ट है, कुशल है। कंपिटेंट मतलब सक्षम। बेन, बेन, बेन का एंटोनिम क्या होगा? इंटेंसिफाई। क्या हो जाएगा बेन का? इंटेंसीफाई। बेन का हो जाएगा इंटेंसीफाई, बढ़ा चढ़ा कर बढ़ना, कम होना, कम करना। अगला डेलिकेंसी, डेलिकेंसी हो जाए तो फुलफिलमेंट। डेलिकेंसी तो फुलफिलमेंट मतलब क्या होगा? भरा हुआ। डेलिकेंसी का एंटोनिम क्या होगा? रिलेंटलेंस मतलब इंटरमिटेंट। रिलेंटलेंस मतलब क्या हो जाएगा? इंटरमिटेंट। एंटोनियम भेन, नष्ट। भेन मतलब डिस्ट्रॉय। प्रोडक्टिव मतलब उपजाऊ।
फोर्थ राइट, तो एंड कैंडिड, फोर्थ राइट मतलब फ्रैंक, एंडिड कैंडिड मतलब एंटोनियम होगा, इनक्रेडिबल तो बिलीवेबल, अविश्वसनीय जिस पर विश्वास किया जाए बिलीवेबल, रेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होना उसमें रेस्ट्रिक्शन पाबंदी लाना, कॉपियस ऑगला ऑफ ओबफस्केट क्लारीफाई करना स्पष्ट करना, इसका मतलब क्या होता है ओबी ऑब्सक्योर अस्पष्ट, ब्रिटल छनभंग रोबस्ट मतलब मजबूत स्ट्रांग, ओपिक्यू मतलब क्या होता है पारदर्शी नहीं है, पेल्यूड पेल्यूड पार्शियल द होल, फैमिस तो ईट, इंटरफेर एडवांस अवेनेस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, रिप्रूव तो यूलोजाइज, सिनिस्टर तो प्रोपिटिवस सिनिस्टर तो प्रोपिटिवस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोपिटिवस, इनकोंग्रस तो अप्रोप्रिएट, इनकोंग्रस तो अप्रोप्रिएट, अवेंडाउन तो कंस्ट्रेंड, अवेंडाउन मतलब कंस्ट्रेंड, अनैक्स सब्सट्रैक्ट करना, टिमोरस ब्रेजन, टिमिड मतलब डायर डरपो कायर करेजियस मतलब बहादुर, इलिक्ट्रेट मतलब एंटोनियम होगा ऑफ ऑब्फस्केट, यंग एंटोनियम होगा मैच्योर, कंटेम निंदा करना प्रोवेशन, क्यूपिडिटी लालची लार्जिस, सोरेसी तो रियलिटी, क्रेडिबल विश्वसनीय अनलाइकली, फ्राइटेन तो रिसर्च, बुलवार्क तो असॉल्ट करना, बुलवार्क मतलब असॉल्ट करना, एमेलगेमेट डिसमेंटल करना, प्लाइबल तो रिजिड, टाडी तो प्रॉम, एस्पोरेडिक सिस्टमैटिक, टेमेरिटी तो डिफिडेंस, आइडियल फ्लॉड, एनएसटीटी कलेक्टेड, एनएसटीटी मतलब क्या होता है कलेक्टेड, ANTSY मतलब क्या होगा कलेक्टेड, एब्स्टिनेंस परहेज करना, ग्लूटनी, लीजर वर्क, बैबल एंटोनियम होगा सेंस, इनकोहेट तो रिफाइंड पर्सन क्रूड पर्सन, सभी लोग बोल सकते हैं, विवेसिटी तो अपैथी उदासी चिंता, इग्नोमिनी तो स्टीम रेस्पेक्ट, इंडिस्पेंसिबल तो इन एसेंशियल, अबडक तो रिडीम, साइनिकल क्रेडुलस, लेजिट तो इलीगल, चेस्टाइज तो एक्सटॉल, कोर्स तो बटरी, एब्सोल्यूट तो इनकम्प्लीट, पोलराइज कंबाइन, सेन पैरानोइड, डेसिकेट तो हाइड्रेट, अल्जिड तो इग्नियस, फनेटिक मॉडरेट, रिकंडाइट क्लियर, डिवियस आउटस्पोकन, फ्रेट रिलैक्स, ये सारे क्या है एंटोनियम, फ्रेट का क्या होगा एंटोनियम रिलैक्स, डिवियस का आउटस्पोकन, रिकंडाइट का क्लियर, फनेटिक का मॉडरेट, लाइबिलिटी लाइबिलिटी का हो जाएगा एंटोनियम असिस्ट, रैंसिड मतलब दुर्गंध देना सड़ा वाला तो फ्रेश मतलब ताज़ा, टिमिड मतलब डरपोक बोल्ड स्टीडफास्टनेस तो एंटोनियम होगा डिसहोनेस्ट, ही लिव्स ही लाइबली डिमेन्यूअर मेक्स हर द आइडियल चॉइस फॉर दिस जॉब तो ग्लूमी, लाइवली का हो जाएगा एंटोनियम जो ग्लूमी, क्रूअल का कांड, इट इज अब्सर्ड टू आर्ग्यू डैट दिस रीजनेबल, अब्सर्ड मतलब बेतुका तो रीजनेबल मतलब तार्किक, अनएक्सेसिव चिंतित अनकंसर्न, लाइक कैप्टिविटी तो लिबर्टी एंटोनियम होगा सॉलिडिटी तो ग्रीगेरियस मतलब मिलनसार, एक्सेप्टेंस तो रिजेक्शन, फीवल स्टडी द मेडिसिन वॉज सो स्वीट का हो जाएगा एंटोनियम सॉ डैट ए मैन हैड टू चूज शुगर अलॉन्ग विथ इट, कैम्पेसिनेट तो क्रूअल एंटोनियम कैम्पेसिनेट मतलब क्रूअल नहीं, निगलैक्ट तो रिमेंबर, फैट्यूटी मतलब सेपियंस, सी इज ए डायरेक्ट डिसेंडेंट एंसेस्टर और डिसेंडेंट ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, पेरेंट मतलब हिडे, जस्ट अनफेयर इंसिपियंट तो टेस्टी, ऑटोनोमी तो डिस्पोंडेंसी, फ्रीडम बॉन्डेज ईगर इंडिफरेंट, इनविंसिबल वल्नरेबल रिटेन करना फॉरगेट करना, ही नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटीज एंड वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, अटेंडेड बेनिगिन मतलब बिक्ट, द गुड्स बींग सोल्ड आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी मतलब सुपीरियर, होप डिस्पेयर जेनरस सेल्फिश आउट गोइंग इंट्रोवर्टेड, वी बिलीव डैट दिस इंसिडेंट हैज़ बीन एक्सग्रेटेड सो इट इज अंडरस्टैंड, कर्टेल मतलब एम्पलीफाई करना, प्लॉट तो डिनाउंस, ब्रिटल तो डी साइलेंट, डॉक्टर हैड टू गो विथ ऑपरेशन आज द राज कंडीशन वॉज वेरी कॉमिकल सीरियस, ही बोरोड बोरोन लेंट लिया मनी फ्रॉम हिज फादर एंड इट टू हिज फ्रेंड टू हेल्प हिम,
He carried his method into every detail of life and lived on his earning with extreme frugality. Frugality मतलब कम खर्च करना, luxury. Ready मतलब unresponsive, transient, permanent, confident, quarterly, significantly, paltry, dominant, surrender, exhaust करना, ख़त्म करना, restore करना. Children were amused by the puppety show, but they were bored. Amused तो बब एंटोनियम होगा, amused का bored. She was too feeble, feeble मतलब कमज़ोर, तो strong हो जाएगा. सीज करना, स्टॉप करना, तो कमेंस स्टार्ट करना. सबलाइम तो ऑर्डिनरी. द बॉस वांटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ही आस्क अबाउट एवरी माइनट ह्यूज मतलब डिटेल. पुट फोर्थ मतलब कंसील. एक्यूरेट मतलब अनरिलायबल. डिसडेन तो रेस्पेक्ट करना. वैलियंट तो वो क्वाडरली. ऑस्ट्यूअर तो जेनियल. स्किंटिलेटिंग मतलब डार्क. द लैंड नियर एरिड रीजन इज नॉट बैरन का हो जाएगा एंटोनियम. फर्टाइल, बैरन मतलब बंजर. इनफ फॉर ग्रोइंग क्रॉप और एनी काइंड ऑफ वेजिटेशन. द एम्प्लॉय इज टू स्टिंगी. जनरल सुधार होता है. कंज टू गिव ए बोनस टू द एम्प्लॉय. डोलफुल मतलब जोयस. क्रिसाइनिकल मतलब ऑप्टिमिस्टिक. नदीर जेनित कैमोफ्लज तो रिवील करना. सेंसिटिव तो नम. जेड रिन्यूड. विसिनिटी रिमूव. सैबी रेस्पेक्टेबल. His innocuous behavior could not be ignored. Repulsive का हो जाएगा एंटोनियम इनोनियस. Reforms were also made in the tedious technicalities of a feudal. Exciting, strange, French, bleak, cordial, ponderous, graceful. This certainty was a feeble, yani powerful attempt to capture the culprit. Alienate मतलब reconcile करना. Cramped, extensive, sustained, abstract. Be at the last यानी foremost मतलब पहले. We all must agree on the fact that life is fragile, healthy. We must learn to negotiate, disagree with every difficult situation in life. Can you gather का spread होगा. The UNA card on the table. Received, advanced, obedient, disobedient. The carry was वेरी क्या होगा. डिलीसियस होगा. डिस्ट्रेसफुल का डिलीसियस. जो भी हल ग्लूमी. द वो हस बेनो बैलेंस मतलब उदार. तो क्रुअल्टी मतलब क्या होगा. निर्दय. द एक्सीडेंट मेड इस फेस लुक हॉरिबल. तो प्लेजेंट. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं.